This transmission is powered by Dalda. Dalda, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत. And Olivia. Olivia, शुक्रिया. जागा रोज़ाए पाके खैरुल वरा है, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है. कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है. मोहम्मद की अज़मत को क्या पूछते हो कि वो साहिबे बशर की सरे अर्श मेहमान नवाजी, ये अजमत नहीं है तो फिर और क्या है. जो आसी को कमली में अपनी छुपा ले, जो दुश्मन को भी जख्म खाकर दुआ दे, खाकर दुआ दे, उसे और क्या नाम देगा ज़माना. ये रहमत नहीं है तो. सुभान अल्लाह, बहुत ही खूब. उसामा महबूब नूरी साहब, बहुत ही प्यारी आपकी आवाज़ है और बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया है. नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे. मैं आपके साथ सहरिश सुहेब और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद कामरान. और सबको चौथा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक भी, और आई होप कि आपका चौथा रोज़ा अच्छा गुजर रहा होगा. और रमज़ान ऐसे गुजर रहा है, मौसम की भी शायद बात है और वैसे भी रमज़ान की बरकत भी है कि पता भी नहीं चल रहा है कि चार रोजे गुजर चुके हैं. वैसे ख्वातीन के सामने ये बात की जाए तो वो कहती हैं कि आपको सहरी बनानी पड़े और अफ्तारी बनानी पड़े, तब आपको पता चले कि रोजे कैसे गुजर रहे हैं आपने. और अब तो माशाल्लाह से पहले अशरे के वस्त में आ चुके हैं. आज माशाल्लाह से चौथा रोजा है, दरमियान में आ गए और ये पहला अशरा फिर खत्म हो जाएगा. और आगाज हम करेंगे, बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. हदीस मुबारक है कि रोजेदार का सोना इबादत है, उसकी खामोशी तस्बीह है, उसकी हर दुआ कबूल और अमल मकबूल होता है. कितना अजर है, आप इससे अंदाजा लगाएं. और ये अल्लाह ताला की कितना बड़ा तोहफा है हम मुसलमानों के लिए, महीना जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है रहमतें बरकतें समेटने के लिए. और एक और हदीस मुबारक भी है कि जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल दूर कर देगा. तो उम्मीद करते हैं कि आपके रोजे भी अच्छे चल रहे होंगे और आप सब लोग रोजे भी रख रहे होंगे. जैसे हम बात भी कर रहे हैं कि आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है और इसी तवातुर से आई होप कि आप लोग भी रोजे जो हैं वो रख रहे होंगे. बिल्कुल जनाब, बड़ी खबर शामिल करते हैं. और बड़ी खबर क्या है नाज़रीन, जानिए. बदतरीन मुआशी हालात, महंगाई के असरात और आटे की लाइनों में दम तोड़ते अफराद के बेबस लम्हात, कुछ भी मुनाफाखोरों के दिल को ना पिघला सका. इस बार भी रमज़ान में ग्राम फरोशों की हठधर्मी बरकरार है. सरकारी रेट पर अशय खुरनोश की फरोख से इनकार, अवाम बे यारो मददगार, इंतजामिया के गफलत की नींद से जागने का इंतजार. मुनाफाखोरों के खिलाफ सोशल मीडिया सार्फीन सरगर्म है, बायकॉट मुहिम की तरफ हर तरफ गूंज है इस्लाम. मुनाफाखोरी करने वालों से मुतालिक क्या अहकाम देता है, इस हवाले से बात होगी आज के प्रोग्राम में. बहुत ही अहम इशू, तेजाब गर्दी के खिलाफ कानून हमलों में कमी ले आया, लेकिन तेजाब गर्दी का खात्मा पूरी तरह
अब भी मुमकिन नहीं हो पाया। मसले के मुकम्मल हल के लिए तेजाब की खुलेआम फरोख्त पर पाबंदी जरूरी है। हुकूमत इस बारे में कानून बना चुकी, लेकिन अमल कब कौन कराएगा इस पर भी बात होगी। और वही मैदान, वही अफगान तूफान और शाहीनों का कड़ा इम्तिहान। कौमी टीम आज जीत के अजम के साथ मैदान में उतरेगी। पाक अफगान सीरीज है, नतीजा जो भी हो शायकीन कांटे की टक्कर से खूब लुत्फंदोज होंगे। लास्ट टाइम तो जनाब हमारे यंगस्टर्स ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था। हाँ। शायद अब कुछ प्रेशर जो है उसको टैकल कर लें। और आज का मैच भी जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज का मैच हार गए तो मतलब कि सीरीज ही हार गए। और है भी अफगानिस्तान की टीम, और अभी तक हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि हम कोई भी T20 मैच हारे थे। बना ली जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। चले जनाब अब कुछ बात थोड़ी सी हम करते हैं। बचपन से नाजरीन सुनते आ रहे हैं कि हम ज़रई मुल्क हैं, मतलब हम खुद उगाते हैं सब्जियां, खुद खाते हैं, लेकिन मुल्क को ये टाइटल देने वाले हमारे बुजुर्गों ने शायद ही कभी ये सोचा होगा कि ज़रई मुल्क में एक ऐसा वक्त भी आएगा जब आटा इंतहाई महंगा हो जाएगा, उसके मुफ्त हुसूल के लिए इसी मुल्क के शहरी लाइनों में धक्के खाएंगे और फिर कुछ ले जाएंगे। बहुत अफसोस होता है। पंजाब और केपी में रमजान से कबल मुफ्त आटे की तकसीम का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक 5 से साइड जाने निकल बिल्कुल। और जो मनाजिर हमें देखने को मिल रहे हैं अभी कुछ देर पहले की मनाजिर से, जब मुजफ्फरगढ़ में भगदौड़ मची और बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं, इन मनाजिर को देखकर किसी भी सख्त से सख्त जान का भी दिल पिघल जाए, आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन ना जाने हमारे गिराफरोश किस मिट्टी से बने हुए हैं, शायद उनका दिल पत्थर का हो चुका है जो ये लोग इन हालात में भी मुफ्तखोरी मुनाफाखोरी पर डटे हुए हैं। सिर्फ फलों की ही बात करें तो रमजान के आगाज के साथ ही इनकी कीमतों में 2 गुना इजाफा हो चुका है। सरकारी रेट लिस्ट जो है वो तो जारी की जाती है, लेकिन कहीं पर वो इंप्लीमेंट होती दिखाई नहीं देती है। मतलब समझ नहीं आती कि हम मुसलमान हैं, दुनिया भर में वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं वो इस महीने के एहतराम में डिस्काउंट्स दे देते हैं, ऑफर्स लगा देते हैं, और हम यहाँ पे मुनाफाखोरी करते हैं, पैसे बनाते हैं, शर्म नहीं आती और खुद को मुसलमान कहते हैं। इसी सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए कैमरा हमें ज्वाइन बिल्कुल हमारे साथ रिजवान अहद मौजूद हैं और वो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हैं, कराची का इलाका है। रिजवान बहुत शुक्रिया। रिजवान बताइएगा इस वक्त क्या मामूलात हैं, क्या हालात हैं इस वक्त मार्केट के, क्या कहना है लोगों का, और जो मुनाफाखोर हैं उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, देखिए रमजान मुबारक का जैसे ही आगाज हुआ है महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया है। हमेशा की तरह इस साल भी जैसे ही पहला रोज़े का आगाज़ हुआ है, कराची में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, चाहे वो खाने पीने की हो, वो सब्ज़ी हो, फल हो, या दाल चीनी आटा हो, हर चीज़ के जो रेट है उस पर लग चुके हैं। बेस्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लियाकताबाद की सुपर मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ भी फलों के रेट हो, सब्जियों के रेट हो, या दीगर चीज़ों के रेट हो, सब चीज़ें प्राइस लिस्ट से कहीं बहुत ज़्यादा रेटों पे फरोख की जा रही है। अगर बात की जाए तो केला जो है वो आज की प्राइस लिस्ट में जो रेट है वो 183 रुपये है, लेकिन 300 रुपये दर्जन कराची की मार्केटों में बेचा जा रहा है। अगर सेब की बात की जाए तो सेब 183 रुपये। जरा बात करेंगे यहाँ पर मौजूद फल फरोशों से, जरा यहाँ पर मौजूद फल फरोशों से बात तो कीजिए, जरा हमें भी मालूम पड़े कि वो कौन सी रेट लिस्ट पर अमल कर रहे हैं और क्या उन्होंने कभी रेट लिस्ट देखी भी है, बस जो सुनकर आते हैं उससे ऊपर बढ़ाकर आवाम से मांगते हैं। थोड़ा सा बताएं कि क्या वजह है, क्यों महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है? आगे से महंगा है, मंडी से महंगा आ रहा है। अच्छा, प्राइस लिस्ट आप लोगों को दी जाती है? यहाँ पर कोई प्राइस लिस्ट देने आता है? अभी तक तो किसी ने नहीं दिए, अभी तक किसी ने नहीं दिए। आप लोगों को पता है आज की क्या प्राइस लिस्ट है? पता ही नहीं है, लिस्ट का पता ही नहीं है, लिस्ट आई नहीं आज। कमिश्नर ऑफिस से प्राइस लिस्ट आप लोगों के पास नहीं आती है? नहीं अभी तक। जरा रिजवान इनसे पूछिए, इनके ठेले पर जो फल है उसमें किस फल की क्या कीमत है, जरा पूछिएगा। ये अच्छा ये बताइएगा कि आप आइएगा जरा, ये जो आपके स्टॉल पे फल पड़े हुए इनकी आपके प्राइस लिस्ट नहीं है? प्राइस लिस्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा रिजवान, हम चाह रहे थे कि आपके हाथ में जो प्राइस लिस्ट आपने उठाई है उससे कंपेयर करें आप और इनसे रेट पूछें कि ये किस रेट पे फल फरोख्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने यहाँ पर आके जो ये जितने यहाँ पर पथारे ठिए लगे हुए हैं जहाँ पर फल बिक रहे हैं उसके रेट लिए और फिर प्राइस लिस्ट जो है उसके रेट मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ।
केला जो है वो 183 रुपए आज के रेट है, लेकिन 300 रुपए दर्जन कराची के मुख्तलिफ मार्केटों में फरोख किया जा रहा है। अगर सेब की बात की जाए तो 183 रुपए सेब है, लेकिन 220 रुपए किलो कराची की मार्केटों में फरोख किया जा रहा है। खरबूजे की बात की जाए तो 105 रुपए किलो होलसेल के रेट है, लेकिन 120 रुपए किलो कराची की मार्केटों में फरोख किया जा रहा है। इसी तरह आलू, प्याज, टमाटर, लौकी के जो रेट है वो भी आज के आलू के रेट 41 रुपए पर केजी है, लेकिन 65 रुपए किलो खुलेआम जो फरोख किए जा रहे हैं। अच्छा, इसी तरह बिल्कुल रिजवान आप मेरे साथ रहिएगा। आप जिस इलाके की इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, उसी इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भंगवार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, क्यों ना हम उनसे भी गुफ्तगू करें, उनसे भी जानें कि आखिर उनके इल्म में ये सब कुछ है या नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हाजिम साहब, आपके वक्त का। आपने हमारे नुमाइंदे को सुना होगा, वो आपके इलाके में मौजूद है, कहीं पर भी रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। इवन के जितने फल फरोश है किसी ने शायद रेट लिस्ट देखी भी नहीं है, अमल करवाना तो दूर की बात है। तो ये फॉर्मेलिटी क्यों रखी जाती है? यही शिकवा है कि भाई पीछे से माल महंगा आ रहा है, सस्ता नहीं बेच सकते, तो ये आप फॉर्मेलिटी क्यों रखते हैं आप लोग के रेट लिस्ट जारी कर दी जाती है? मेरे इलाके में तो काफी चीजें की जा रही है, मैंने काफी एरिया टेस्ट किया था। जैसे हम जैसे चालान कर लेते हैं, चालान करने के बाद चले जाते हैं तो वही रेट डबल हाई करके तो पब्लिक को महंगा बेच देते हैं। फिर मैंने एक और टेक्निक ट्राई की जहाँ मैं दुकान के सामने खड़ा होकर सेलिंग करवा रहा हूँ, पर एक आदमी कितने घंटे की दुकान के बाहर खड़े हो सकता है। उसके बाद मैंने नई थोड़ी टेक्निक ट्राई की जहाँ मैंने हेल्पलाइन जारी कर दी, जिससे हमें जो पब्लिक है फोन करती है, मैं और मेरी टीम उसके कंप्लेंट रिसीव करने के बिल्कुल 10 मिनट में पहुंच जाते हैं, और जो भी इश्यू होता है प्राइस हाई क्या उनको नॉर्मल रेट पे फिर हम उनको परचेस कराते दूसरी कंप्लेंट पे चले जाते हैं। और कंप्लेंट इतनी ओवरवेलमिंग आ रही थी कि हमें सिर्फ दो नंबर करने पड़े। और कल था, कल की बात है, कल हमें आए थे अराउंड 60 कंप्लेंट आई थी जिसमें से हमने 98 सक्सेसफुली ली। अच्छा हाजिम साहब, आपने जो चीजें बताई ये एक जानब, और ग्राउंड रियलिटीज जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे भी इस वक्त मार्केट में मौजूद थे और आपने देखा कि वहां पर प्राइस लिस्ट तक मौजूद नहीं है। आप बताइएगा, आपने अब तक कितने मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की है, और क्या वजह है कि जो अब तक कार्रवाइयां हो रही हैं उसके नतीजे हैं वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं? बेशक यही तो करने जाते हैं, तो हम जाते हैं उनको चालान करते हैं, और वही मैनेजर से बात की, आप जाके चालान करके आ जाते हो तो उसके सर पे कौन खड़ा हुआ है, कौन सी अश्योरिटी है कि वो दोबारा महंगा करके नहीं बेचेगा? मुझे प्रॉब्लम अपनी पर्सनली प्रॉब्लम यही आ रही थी कि मैं तो चालान करके चला जा रहा था तो अगले कस्टमर से दुगना करके वो अपना सेल कर रहा था। इसलिए मैंने हेल्पलाइन की, ये हेल्पलाइन के जैसे कोई दुकान पर खड़ा हो उसे फोन करता है तो पर कस्टमर मेरी कंप्लेन आती है और उसको जाके रखते हैं। उसके अलावा हम रैंडमली भी चेक करते हैं, चालान भी करते हैं, ग्रीन शो करते हैं कि गवर्नमेंट प्राइसेस ऊपर लगी हों, जो नहीं लगा तो उस पर चालान भी करते हैं हम, चेक एंड बैलेंस कंटिन्यू कर रहा है। अब तो माशाल्लाह से गवर्नमेंट ने हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट भी कर दिए कि हमें काफी सेक्शन ऑफिसर 5 से 6 एरिया वाइज हमें दे दिए हैं जो हेल्प कर रहे हैं प्राइस चेक। सही, पहले तो आप प्रोसेस चेक करती है प्राइस चेकिंग, अब तो हमारे पास एक्स्ट्रा टीम आ गई है जो उसमें हमें असिस्ट कर रही है, हेल्प कर रही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने देखा कैंपेन भी स्टार्ट हुई है सोशल मीडिया पर, आपको लगता है कि इससे ये गिरा फरोश कुछ सुधरेंगे, कुछ बेहतरी आएगी? हाँ आ भी सकती है, ये तो अब आगे जाके पता चलेगा, आ सकती है बिकॉज वही एक आप अपना क्या कहते हैं उनके ऊपर एक वजन डाल देते हैं कि भाई अगर आपको फूड बेचना है तो तरीके से बेचो, ऐसे थोड़ी बेचा जा सकता है। और उसको एक कंपटीशन भी हमें दे दिया है, हमने अपनी बचत बाजार भी स्टार्ट की, जैसे मेरे अपने पर्सनली नॉर्थ नाजाबाद में एक बचत बाजार है हैदरी के सामने, दूसरी तैमूरिया के पास एक फ्रूट की है बचत बाजार जो बहुत कम रेट में दे रही है, और फिर तो मैंने सैलानी वो जो फ्री खाना होता वो भी किया हुआ, तो एक इनडायरेक्टली कॉम्पिटिशन भी फ्रूट वालों को मिल रहा है कि भाई इनका फ्रूट सेल शायद होगा भी नहीं क्योंकि इतनी बचत में भी बाकी लोग बेच रहे हैं। अच्छा आजम सब, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा, पैगाम क्या देंगे आप उन तमाम गिरा फरोशों को जो कि महंगी सब्जियां और फ्रूट बेच रहे हैं, कि आप उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? जरूर, मेरा ये जरूर मैसेज होगा कि जो महंगा बेच रहे
कि ये सीजन जो होता है रमजान, यू नो बड़ा होली सीजन होता है, ये होता है फॉरगिवनेस का, गरीबों को देखने का, सपोर्ट करने का। तो अगर लोग इस महीने अपना बिजनेस कम सोचें और पब्लिक की थोड़ी ज्यादा हेल्प करें तो बहुत अच्छा होएगा। बिजनेस तो उनका पूरा सालों साल चल रहा होता है, महंगा कम ज्यादा, पर ये एक महीना है जहाँ ये जो बिजनेस वाले हैं ये इतना सोच रहे हैं कि हम अपनी कमाई कर लें, बेहतर होगा कि इस महीने ये एक्चुअली खुद अगर सही। ठीक, बहुत शुक्रिया हाजिम भगवार साहब आपके वक्त का। सर ये है कि ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अमल दरामद करवाना है, रेट लिस्ट जो है जो इशू की जाती है उस पर इम्प्लीमेंट करवाना है, ये भी जब दुआओं पे आ जाएं और कहें कि हमारी ख्वाहिश ये है कि ऐसा हो तो फिर तो काम नहीं चलेगा, आपने इम्प्लीमेंट करवा के दिखाना होता है। एक्शन लिया जाता है, कभी नहीं लिया जाता चीजों को मुस्तकिल तौर पर, जब तक कानून साजी नहीं होगी ना और सख्ती से इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाएगा, एग्जैम्पलीफाई नहीं किया जाएगा लोगों को। कानून साजी है, द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि उस पे इंप्लीमेंटेशन नहीं है। कानून बना हुआ है कि आपने इस रेट पे आपने ये चीजें बेचनी है लेकिन उस पे इंप्लीमेंटेशन नहीं है, उसके चेक एंड बैलेंस और पनिशमेंट पेनल्टी जब तक ये नहीं होगी तब तक कुछ बेहतर नहीं होगा। जब अपना काम जिन्होंने करना है वो प्रॉपरली नहीं करेंगे तो फिर यही सब कुछ होगा, लोग आपको इजी लेंगे, आप उनको इजी लेंगे। अभी हम स्टूडियोज में बहुत ही जबरदस्त मेहमान ज्वाइन कर चुकी हैं, कामरान जी आप इंट्रोड्यूस करा जी। बिल्कुल, हमारी सबकी अपनी मुसर्रत मिसबा मुसर्रत आप हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इनसे बात करेंगे तेजाब गर्दी के वाकयात के हवाले से, उनमें कमी वाकया हो रही है नहीं हो रही है इस हवाले से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, और मुसर्रत साहिबा मुसर्रत आपा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तेज़ाब गर्दी। ऐसी खबरें होती हैं जिनको पढ़ के दिल दहल जाता है कि कोई शख्स इतना जुल्म कैसे कर सकता है, लेकिन अफसोस कि हम लोग इतना आगे आ गए हैं उस पत्थर के दौर से, लेकिन उसके बावजूद आज भी ऐसे वाकयात रोनमा होते हैं, आज भी बहुओं पर इस तरह जुल्म किया जाता है। हाल ही में अभी आपने खबर सुनी होगी गुजरांवाला से, वो खबर थी किरण नाम की खातून थी, सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो इतनी वायरल हुई थी कि उनके हस्बैंड और ससुर ने मिलकर उन्हें कुछ पिला दिया था और वो बता रही थी कि डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया, ये जालिम लोग हैं, इन्होंने मेरे साथ जुल्म किया। सिर्फ कसूर इतना था कि उनका शौहर मुख्तलिफ ख्वातीन को घर लेकर आता था और वो मना करती थी, जिस पर उन्होंने धक्के देकर उसे घर से निकाला और जब मना के वापस लाए तो उसको कुछ पिला दिया। कानून साजी इस हवाले से हो चुकी है, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि इस हवाले से जो है ना वाकयात हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेजाब की जो खरीदो फरोख्त है उस पर पाबंदी है, प्रिवेंशन एक्ट के मुताबिक इस कानून के तहत तेजाब की फरोख जो है उस पर पाबंदी लगाई जानी थी, लेकिन आज तक इस हवाले से इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। सिंध हुकूमत ने हाल ही में इस हवाले से इकदामात ज़रूर उठाए हैं और सिंध काबीना डिवीज़न की जानिब से तेजाब की फरोख्त पर पाबंदी की मंजूरी भी दे दी गई है, लेकिन ये मंजूरी अभी तक बस कागज़ों तक ही हमें महदूद नज़र आती है और सिंध भर में आज भी हमें तेजाब दुकानों पर खुलेआम बिकता हुआ दिखाई देता है। मुसर्रत मिसबा साहिबा समाजी रहनुमा हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आप आपके वक्त का, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आज भी इस तरह के वाकयात रोनुमा हो रहे हैं, आज भी औरत पर उसी तरह जुल्म किया जा रहा है, आपा क्यों नहीं ये सिलसिला रुक पा रहा आपकी नज़र में? इसकी जो रीजंस होते हैं ना, अगर आप वो भी जाने जो मैं बताना चाहूँगी कि बेटियाँ क्यों ज़्यादा पैदा हो गई उसकी वजह से तेज़ाब फेंक दिया या जला दिया, तेल छिड़क के जला दिया, जहेज़ क्यों कम लाई हो, कोई बच्ची अपनी शादी में नाखुश है या उसकी शादी किसी ऐसे शख्स के साथ की जा रही है जो उससे उम्र में कुछ बड़ा है, अगर वो मना करती है तो वो जो मर्द है वो कहते हैं क्या मुझे मना कर दिया, मुझे ना कर दिया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें क्या तुम्हारे पूरे ख़ानदान को बताता हूँ। इसी तरह से हम देखें तो जो विरासत के वाकयात होते हैं उसमें भी बच्चियों के नाम अगर छोटा सा भी ज़मीन का टुकड़ा आ जाता है तो वो उनको मारना ज़्यादा पसंद करते हैं कि मरे और वो ज़मीन का टुकड़ा जो है वो हम कब्ज़ा कर लें। फिर दुश्मनियाँ होती हैं, अना के मसाइल और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस वक्त इस टाइम पर इस दुनिया में पत्थर के दौर की बातें हैं और अब डिजिटल दौर में भी हो रही हैं। और अनबिलीवेबल चीज़ ये है कि ये वो बातें हैं जो हमारे मज़हब में मना है, जो कुरान में लिखी हुई है साहब। आप अगर विरासत की बातें करें तो सब कुछ आया हुआ है उसमें, किसको कितना क्या क्या मिलना है, क्यों उससे इनकारी कर रहे हो?
अगर मर्द को तलाक का हक है तो औरत खुला भी ले सकती है और लड़की अपने पसंद से शादी भी कर सकती है। फिर बेटियों के लिए, मतलब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पर जब बेटियों की को ज़िंदा ज़मीन पे दफना दिया जाता था तो वो कितना उनको एक नापसंदीदा फ़ेल था उनके लिए। वो एहतराम और इज़्ज़त जो हज़रत फ़ातिमतुज़्ज़हरा के आने पे रसूल पाक खड़े होते थे, बोसा देते थे और अपनी जगह पे बिठालते थे, वो खाली माँ का रिश्ता नहीं है, वो एक बाप और बेटी का रिश्ता था। बिल्कुल बेशक। तो हर रिश्ता प्यारा, हर रिश्ते के बारे में सब कुछ। मुझे दुख इस बात का है कि हम लोगों के मुल्क में कानून बनते हैं लेकिन उस पर अमल दरामत नहीं हो पाता। ज़ैनब एक्ट मौजूद है, आज भी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, उसकी रूह के मुताबिक अमल करवाने वाले पता नहीं सो जाते हैं, उसके बाद बना दिया जाता है कानून, मंजूरियाँ दे दी जाती हैं लेकिन चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? जुल्म होता रहता है, जालिम के हाथ कोई रोकता ही नहीं। मैं बताती हूँ क्या होता है, जब कभी ये बच्चियाँ हिम्मत करके, अव्वल तो ये हिम्मत भी नहीं होती है क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड क्राइम है जिसमें पता होता है कि किसने फेंका और किसने ये ज्यादती की है, हिम्मत नहीं होती। लेकिन अगर हिम्मत करके वो उसकी FIR कटवाने जाते हैं तो FIR लिखने वाला कहता है कि कितासी जनाब, यानी कि उसकी वजह से तुम पे ये अमल हुआ है जी, तो मतलब उसने पहले से ये माइंड सेट बनाया हुआ है कि ये औरत है, इसने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से इस पे इसको हुआ। तो ये करना चाहिए। आपकी NGO जो है इस हवाले से भी इमदाद करती है इन खवातीन की के जो अदालती जो प्रोसेस होता है उसमें भी उनकी मदद की जाए? हम उनको रेफरल देते हैं ऐसे इदारों की जो कि उनको मुफ्त में उनके कवानीन के हवाले से सर्विसेज दे सके, क्योंकि जो मेरा काम है वो बहुत ज़्यादा है तो मुझे अच्छा। मैं हर काम अगर थोड़ा थोड़ा करूँगी तो सही नहीं कर सकती। सो मैं अगर आइडेंटिफाई हो जाती है बच्ची, उसका इलाज मुफ्त करते हैं, इलाज के दौरान ही हम उनको कोई ना कोई ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक एक बच्ची चाहे वो जली हुई हो या ना जली हुई हो, अगर वो बाइख्तियार है तो वो ख़ुद मुख्तार है, और जब वो ख़ुद मुख्तार होती है तो वो बाएतमाद होती है। तो इस तरह से उनको ट्रेनिंग दिया, उनको जॉब देना, जली पढ़ी लिखी बच्चियों को जॉब नहीं मिलते तो जली हुई लड़कियों को कौन जॉब देगा? अच्छा आपा, यहाँ पे एक बात जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है कि देखिए आप तो इस तरह के विक्टिम से खुद मिलती हैं, लोग आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, भले मदद के लिए करते हैं या जो भी है, आपको ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है कि हो क्या रहा है, किस तरह से इस पर जुल्म हुआ, ये भी किस फ्रेम ऑफ माइंड में है, इसके घर वाले क्या सोच रहे हैं, सोसाइटी से किस तरह ले रही है, आपको सब पता है। आपकी नज़र में इन वाकयात की रोकथाम के लिए इमीडिएटली होना क्या चाहिए जो कि नहीं हो रहा? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, जैसे आपने कहा था कि कानून बने हुए हैं लेकिन उनको लागू करना ज़रूरी है, और लागू करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो पनिशमेंट परपेट्रेटर को दी जाए वो ज़रूरी दी जाए। कहते हैं ना कि अगर इट इज़ नॉट द सर्टेनिटी ऑफ द पनिशमेंट, नो नॉट द सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट बट द सर्टेनिटी ऑफ द पनिशमेंट, यानी कि सख्ती से जो जो जुर्म है वो नहीं ख़त्म होता, हाँ अगर उसको ये पता हो कि मैं पकड़ा जाऊँगा और मुझे सज़ा मिलेगी तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। एंड देन दूसरी चीज़ ये होती है कि ये वाकयात तेजाब गर्दी के और मुल्कों में भी होते हैं, इट्स अ ग्लोबल चीज़, वर्स्ट फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, वही काम करो जो उसके साथ। लेकिन बात वो ये कि बाहर के ममालिक में कानून जो है उस पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाता है कि डर होता है आप में कि अगर ये किया तो पकड़े भी जाएंगे, उन्होंने पकड़ भी लेना है, पता भी नहीं चलेगा आ जाएंगे, इस डर से लोग वो काम नहीं करते। यहाँ पर कानून पर सख्ती से जब अमल होगा, जब गरीब और अमीर के लिए एक सा कानून होगा तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। प्रोड्यूसर साहब हमें बता रहे हैं, फिर से बता दें कि आप ब्रेक पर जाएँ या किचन में चले जाएँ क्योंकि इफ्तार का वक्त भी अब करीब है। मुसर्रत आपा हमारे साथ ही हैं तो किचन में चलते हैं। शेफ जुबैर मलिक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तो ओवर टू यू जुबैर। बोल के जायके इज प्रेजेंटेड बाय डालडा, ज्यादा बरकत ज्यादा बचत, एंड पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। जी बोल के जायके में एक बार फिर आप तमाम लोगों को वेलकम करते हैं, और शेफ़ ज़ुबैर एक बार फिर आप तमाम लोगों के लिए तमाम रेसिपीज़ लेकर आए हैं, और हम हमेशा से आप तमाम लोगों के लिए रेसिपीज़ लेकर आते हैं। जैसे जैसे दिन ढलता चला जाता है वैसे वैसे जो है हम रेसिपीज़ की तरफ बढ़ना शुरू जाते हैं, और ऑफ़ कोर्स अफ्तार रमज़ानों का दिन है
और अफ्तारी की तमाम ख्वातीन जो है वो तैयारियां कर रही होती हैं। तो आज मैं अकेले ही हूँ, सैरिस जो है उस न्यूज़ रूम में तो वहाँ बिजी हैं, तो आज सोचा कि आज मैं अकेले सेगमेंट कर लूँ। और जहाँ पे डालडा की किचन में माशाल्लाह से इतना कुछ मौजूद है, डालडा कुकिंग ऑयल के साथ साथ जो है सबरोसो मौजूद है, और सबरोसो से जो है आज डिफरेंट चीज़ें आप लोगों के साथ बनाने वाले हैं। उसके साथ साथ आज हमारे साथ एक नया स्पाइसेस यानी कि एक नया स्पाइस हमारे साथ ऐड हुआ है, और वो है लाजवाब मसाला, जो कि ज़बरदस्त और कमाल जो है इनके मसाले हैं तमाम, तो वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बढ़ते हैं आज की रेसिपीज़ की जानिब कि आज हम क्या बना रहे हैं डालडा के किचन में। तो आज जो रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं बहुत ही कमाल की रेसिपीज़, वैसे तो आप तमाम लोग चाइनीज़ खाते हैं लेकिन रमज़ानों में नॉर्मली जो है वो देसी चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे, लेकिन ब्रिंग समथिंग न्यू इन योर रेसिपीज़, यानी कि आप अपनी रेसिपीज़ में थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टच लेकर आएँ। तो आज आप लोगों से शेयर कर रहे हैं सबरोसो चिकन से हम बनाएंगे क्रिस्पी पॉपर्स मंचूरियन। जी जनाब, मैं बात कर रहा हूँ सबरोसो चिकन की, जहाँ पे इतने सारे लवाजमात मौजूद हैं इनके, सीख कबाब, रेशमी कबाब और शामी कबाब, और साथ साथ कुछ ऐसे नगेट्स और क्रिस्पी पॉपर्स भी मौजूद हैं जो कि बहुत ईजी हैं। ये 70% कुक्ड है, इसमें आपको इतना जो है झमेला करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सिंपल पैन में ऑयल डालें और उसको फ्राई करें, एंड डेट्स आपने इसको निकाल लेना। लेकिन आज थोड़ा सा इसमें हम इन्वेंशन करेंगे, वो कैसे करेंगे कि क्रिस्पी चिकन प्रॉपर्स से आज हम बनाएंगे चिकन प्रॉपर्स मंचूरियन, ठीक है। तो ये आप लोगों से शेयर कर रहे हैं, तो पहले हम एक काम करेंगे कि सबरोसो का ये क्रिस्पी चिकन प्रॉपर्स है इसको मैं यहाँ पर कर लूँगा फ्राई ऑयल में। ऑयल हमारा ऑलरेडी से प्री हीट है, इसमें हमने शामिल किया है डालडा कुकिंग ऑयल, जहाँ डालडा वहाँ मामता, और डालडा की माशाल्लाह से क्वालिटी हम शुरू से ही देखते चले आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स मैं जब से दुनिया में पैदा हुआ, जब से मैं डालडा को देख रहा हूँ, और स्टिल जो है वो डालडा यहाँ पर आप तमाम लोग यूज़ कर रहे हैं माशाल्लाह से। अब हम 2023 में शामिल चुके हैं, तो ये मैंने क्रिस्पी चिकन प्रॉपर्स जो है इस पर शामिल कर दिया। अच्छा, इसका नाम है क्रिस्पी चिकन प्रॉपर्स, थोड़ा सा जो है वो नाम के अंदर इसमें सम टाइम प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये तकरीबन 7 से 8 दाने मैंने सबरोसो के क्रिस्पी चिकन प्रॉपर्स शामिल कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ जब तक ये फ्राई हो रहा है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये मेरे पास मौजूद है पॉट, और इसको मैं थोड़ा सा जो है इस तरह से फैला लूँगा। इसमें भी मैंने डालडा कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है, ये मेरे पास साबुत गोल लाल मिर्च हैं, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है जी। और इसके साथ साथ ये मेरे पास है चॉप किया हुआ गार्लिक, क्योंकि चाइनीज़ में जो है फ्रेश ही गार्लिक इस्तेमाल करें, गार्लिक पाउडर या फिर जिंजर पाउडर उससे काम नहीं चलेगा। अच्छा, इसको हम करेंगे 2-4 मिनट सोते। इसके साथ साथ रेसिपीज़ में हम और क्या शामिल कर रहे हैं, मेरे पास मंचूरियन के लिए ऑफ कोर्स आप तमाम वेजीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये मेरे पास है शिमला मिर्च, और उसके साथ है मेरे पास प्याज, इसको मैंने जो है स्क्वायर शेप में काट के रख लिया। साथ साथ हरी प्याज है, मेरे पास अंडा है, हॉट सॉस है, चिली सॉस है, और सोया सॉस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं यहाँ पे अगर आप अपनी इन्वेंशन करें तो आप सिरका और या फिर आप लेमन जूस भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो एक कप का तकरीबन हाफ कप के करीब जो है मैंने यहाँ पे गार्लिक का शामिल किया, और उसके साथ साथ जो है मैंने जो साबुत गोल लाल मिर्च हैं मैंने वो शामिल की हैं। थोड़ा सा डालडा कुकिंग ऑयल मैं इसमें से और ले लूँगा, ठीक है, ताकि हमारे पास ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाए। और क्रिस्पी चिकन पॉपर्स जो है वो फ्राई हो रहे हैं, और इसी के साथ साथ इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप ये शामिल कर देंगे, ये मेरे पास है चिली सॉस, ठीक है, हाफ टी स्पून का हमने इसका शामिल कर देना है। और इसी के साथ साथ इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है हॉट सॉस। अच्छा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, हॉट सॉस थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा होता है और चिली सॉस जो है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो मेक श्योर आपने अपने हिसाब से लेना, अगर आपको एलर्जी है तो आप इसको फिर अवॉइड कीजिएगा। आप चिली गार्लिक केचप यूज़ कर लीजिएगा, थोड़ी सी मिठास आ जाएगी इसमें। थोड़ा सा इसका फ्लेम हम बढ़ाएंगे, और इसका भी हम फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसके साथ साथ इसको थोड़ा सा हम ज़रा तेज़ कर लेते हैं, ताकि हमारा जो ये बैटर है ये अच्छे से तैयार हो जाए। इसी के साथ साथ मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये मेरे पास है चिली सॉस, पहले हमने डाला हॉट सॉस फिर चिली सॉस, ठीक है। इसके साथ फ्लेम थोड़ा सा मैंने इसका तेज़ किया है। अच्छा, इसी स्टेज पे अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास है ये सोया सॉस तकरीबन 2 खाने का चम्मच, ये मैं इसमें शामिल कर देता हूँ, ठीक है। और अब इस स्टेज पे यहाँ पे हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है थोड़ी सी हरी प्याज, ठीक है। और अच्छा, मैं इसके अंदर जो है वो नमक शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि मंचूरियन जो है वो थोड़ा सा स्वीट एंड सार होता है, तो सॉल्ट आप डालेंगे तो इसका जो बैलेंस एक अपना एक जो वो होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें, कोशिश करें कि जब आप चाइनीज़ बनाएं
तो चाइनीज़ में जो है वो थोड़ा सा जो है वो तेज़ आँच में खाना पकता है, क्योंकि चाइनीज़ इतना टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी नहीं होती। तो इस स्टेज पे आप देखें कि यहाँ पे ये सिजलिंग का प्रॉपर स्टार्ट हो गई है और क्रिस्पी चिकन पॉपर्स जो है यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें इसमें सिजलिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ये मेरे पास, मैं ज़रा चेक कर लूँ कि क्रिस्पी चिकन पॉपर्स की क्या कंडीशन है। हाँ, ये ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर आप इसको इस तरह से इस मिक्सचर में शामिल कर लें। इसका मैं चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगा और ये देखें, वाह क्या कमाल इसकी जो है वो गोल्डन कलर इसका आ चुका है। और ये सारा कमाल सब रोस्टेड चिकन का है, जिनकी जानिब से जो है इतना कमाल जो है ये क्रिस्पी चिकन प्रॉपर से। और फिर बहुत सारे वेरिएंट्स हैं इसके अंदर, सीख कबाब, गोला कबाब, शामी कबाब, और साथ साथ जो है इन्होंने अभी रिसेंटली अपना जो है वो रेशमी कबाब भी लॉन्च किया है। और एक बड़ी ख़ास बात है सब रोस्टों की कि इनके किसी भी आइटम्स के अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। जिस तरह आप घर के अंदर बनाते हैं ना चीज़ें, उसी तरह से जो है इनकी तमाम मेकिंग होती है। किसी किस्म का कोई भी केमिकल नहीं है। और अब तो वैसे ही आपकी लाइफ में इतनी आसानी हो गई है, आप बस झटपट सब रोस्टों के तमाम आइटम्स उठा के लाएँ। और वैसे भी ईद करीब है और सडन अगर घर में गेस्ट आ जाएँ तो फिर आपने किस तरह से चीज़ें मैनेज करनी है। बट सब रोस्टो इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। साथ साथ जहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल हो तो आपकी लाइफ में और भी आसानी है। और माशाल्लाह से मैं जब इस दुनिया में आया तब से मैं डालडा कुकिंग ऑयल को देख रहा हूँ अपने खानों के अंदर और बहुत जगहों पे। तो उसके साथ साथ जो है तीसरा हमारे साथ मौजूद है लाजवाब मसाला, जो कि ये भी 100% नेचुरल और प्योर है। और इसकी भी मेकिंग बहुत ही कमाल मेकिंग है। इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं इसमें तमाम नेचुरल स्पाइसेस शामिल हैं। और ऑफकोर्स हम हमेशा से सोच रहे होते हैं कि आप मसाले जितने भी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर नेचुरल कलर होने चाहिए। तो इसमें नेचुरल ही कलर है। और नेचुरल कलर क्यों है, क्योंकि इसमें रेड चिली पाउडर और कश्मीरी पाउडर का इस्तेमाल होता है। इसमें किसी किस्म का कोई भी रेड कलर नहीं मौजूद है। आप अगर सोच रहे हैं कि जी किस तरह से जो है वो केमिकल हो, इस तरह किसी में कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है। और इसके साथ साथ मार्केट में इस वक्त जो है बहुत ही कम रेट के अंदर दस्तियाब है। इसके आप साशे ले लें या फिर इसका पैकेट ले लें। साशे मेरे ख्याल से 35 रुपये का है। और अगर इसका एक मीडियम बॉक्स ले लें उसमें भी दो पैकेट्स होते हैं तो वो भी 80 रुपये का है। उसके साथ साथ अगर आप जंबो लें जो कि 120 और 125 रुपये का है तो बहुत ही अच्छे रेट्स हैं। और इनकी रेंज भी काफ़ी अच्छी है इस वक्त मसालों की। और इनकी जो जितने भी मसाले हैं इनकी अपनी एक अलग ही बात है। हर मसाले की अगर आप बिहारी यूज़ कर लें, अगर आप कोरमा यूज़ कर लें या फिर अगर आप कढ़ाई यूज़ कर लें तो इनके तमाम मसाले माशाल्लाह से बहुत ही कमाल हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी हम आने वाले डेज में, बल्कि 30 डेज में, ठीक है। अच्छा, इसको 2 मिनट हो गए और अब हम क्या करेंगे, इसको मैं कर लूँगा डिश आउट। और इसी के साथ साथ हम बना रहे हैं कटोरी चाट। चाट तो आप लोग खाते रहते हैं लेकिन इसी चाट के साथ अगर आप इन्वेंशन करें तो कैसे कर सकते हैं, वो भी आप लोग हम शेयर कर देते हैं। अच्छा जी, ये हो गया मेरा क्रिस्पी चिकन प्रॉपर्स मंचूरियन, जो कि हमने बनाया सब रोसों से। और मेरे ख्याल से 5 से 6 मिनट लगा मुझे बनाने में। और आप भी अगर घर में बनाएं, सडन गेस्ट आ जाए तो आपने किस तरह से चीज़ें सर्व करनी है, तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि मंचूरियन में जो है वो शिमला मिर्च और प्याज बहुत आखिर में शामिल की जा रही होती है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको पहले कर दूँगा साइड पे, ठीक है। अब इस स्टेज पे हमने क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे मैं, ताकि ज़रा सब्जियों का अपना कलर एक नेचुरल होना चाहिए ना, पता लगे कि आपने जो है वो इस तरह साइड पे सर्व करूँगा। मुझे थोड़ी सी सब्ज़ियाँ कच्ची ही पसंद हैं और बेनिफिट्स उसी के ही हैं। तो आप भी कोशिश करें कि आप कच्ची ही सब्ज़ियाँ जो है वो सर्व खाएँ तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स आपको और भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्रिस्पी चिकन प्रॉपर मंचूरियन हो गया तैयार और बहुत झटपट रेसिपी है। अच्छा, अगर आपने प्याज और शिमला मिर्च शामिल करना है तो आप बना के कुक कर लीजिएगा, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। अच्छा जी, अब हम बढ़ेंगे कटोरी चाट की तरफ। और इसके लिए मेरे पास यहाँ पर ये आप देखें, आप सोच रहे होंगे कटोरी चाट या फिर आप इसको बास्केट चाट भी कह सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो है वो समोसों की पट्टियों से जो है वो बास्केट बनाई हुई है। थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है वरना फिर मैं आपको बता देता हूँ ऑनियरी कि किस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ मेरे पास चने हैं और इसी के अंदर हम फिलिंग करेंगे। ये मैं चना ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा कोशिश करें अगर घर में सडन कोई गेस्ट आ जाए और आपने किस तरह से उसको खाना सर्व करना है गेस्ट को, या फिर आपका कुछ मूड हो रहा है थोड़ा सा रेसिपीज में, ठीक है।
ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अच्छा, इसी के साथ ये ऑफ कोर्स चना हो और आलू ना हो उसके अंदर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये मैंने आलू शामिल कर दिया। ठीक है जी, और कोशिश करें बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना हो, ताकि जो आपके बाकी की चीज़ें हैं ये सब, थोड़ा सा इसमें आ गया ये टमाटर, थोड़ा सा मैं इसको साइड में रखूँगा। ठीक है, और ये टमाटर आ गया। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये है हरी चटनी, जिससे और भी इस कटोरी चाट को जो है वो एक कलर मिलेगा। ये देखें, वाह क्या बात है। इसके साथ अब इस स्टेज पे हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास है दही। ठीक है, दही मैंने इस तरह से शामिल कर दी, ये मैंने दही शामिल कर दिया इसमें। ठीक है, और अब यहाँ पर जो है, अच्छा अगर आप चाट बनाएं तो इमली की चटनी ना हो, हरी चटनी ना हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हमने शामिल कर दिया इमली की चटनी, वाह क्या बात है, और कितना ज़बरदस्त का अरोमा आ रहा है। अच्छा, ये जो रेसिपी है, ये डालडा कुकिंग ऑयल की रेसिपी है जो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, उनकी ये सीक्रेट रेसिपी है। ठीक है, अब ये आ गया ऊपर से इसकी गार्निशिंग थोड़ी सी इस तरह से। ठीक है, और एक दफ़ा मैं थोड़ा सा इस पर जो है वो, ये जो इमली की चटनी है इसके बगैर तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये मैंने ऊपर से डाल दिया, इसको अब हम कर देंगे ज़रा साइड पे। अच्छा, अगर इन केस अगर आपको लग रहा हो साइड पे कि आपका फिलर नहीं हो रहा, प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो आप साइड पे भी फिलिंग कर। ये देखें जी, एक तो हमने रेसिपी बनाई। ओके जी, आपको दिखाते हैं रेसिपी कार्ड कटोरी चाट का, और ये मेरे पास है क्रिस्पी चिकन प्रॉपर्स। ठीक है, ओके जी, रेसिपी आप लोगों ने देख ली होगी। अच्छा, थोड़ी सी मैं इसमें और इन्वेंशन कर रहा हूँ साइडों पे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा खाली खाली है, तो प्रेजेंटेशन ज़रा प्रॉपर होनी चाहिए। घर पे सडन अगर गेस्ट आ जाएं, देखिए कितनी आसान रेसिपीज़, और ये सारा कमाल जो है डालडा का है, सब रोस्टेड चिकन का है, साथ साथ लाजवाब मसाले का, जो कि अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर लाजवाब का चाट मसाला। ठीक है जी, और ये आप देख सकते हैं कि इनके पैकेट में ठीक ठाक क्वान्टिटी होती है, और बल्कि एक और चाट मसाला है, वाह क्या बात है, ये तो मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। तो ये देखें कि आप 80 रुपीस के अंदर जो है लाजवाब के चाट मसाले के अंदर जो है वो, यानी कि एक पैकेट के अंदर आप दो साशे जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं शामिल कर रहा हूँ ये लाजवाब का चाट मसाला, वाह क्या बात है, और इसकी प्रेजेंटेशन आप देखें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो जनाब, ये चना चाट यानी कि कटोरी चाट हमने आपके सामने जो है वो तैयार किया। इसके साथ साथ सबरोसो से क्रिस्पी चिकन प्रॉपर्स मंचूरियन आप लोगों के सामने हमने शेयर किया, और 10 से 12 मिनट के अंदर जो है, 10 से 12 मिनट के अंदर हमने ये रेसिपी तैयार की आप तमाम लोगों के लिए। तो सडन अगर घर में गेस्ट आ जाए, तो आई होप सो कि आज की रेसिपीज आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह ताला कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी बोल के जायके में। अब आप लोगों को ज्वाइन करेंगे सैरिश, और सैरिश को ज्वाइन कर ले शेफ ज़ुबैर को, दी इजाज़त, इंशाल्लाह कल आप लोगों को जरूर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही ज़बरदस्त सी शख्सियात इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत मिसबा आपा हमारे साथ है, इसके अलावा मुफ्ती अबू मोहम्मद इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। बहुत सारी बातें नाजरीन जो कि हमने अभी ऑफ कैम ब्रेक में आपस में डिस्कस की हैं, और हम चाहेंगे कि इन दोनों की मौजूदगी से भरपूर इस्तेफादा हम करें हासिल। तो जनाब, मसला जो था वो विक्टिम्स के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ये वाकया थमने का नाम नहीं ले रहे, कानून पर सख्ती से अमल नहीं हो रहा, इस पर हमने बात को अपनी ख़त्म किया था। तो आप मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप जाती भी हैं ऐसे विक्टिम्स के पास, उनको जो भी सर्विसेज आप जिस तरह की प्रोवाइड कर सकें आप पूरी कोशिश करती हैं उनकी मदद की जाए। जब वो इस सारे ट्रॉमे में से निकल आते हैं किसी हद तक, तो आप उनको बाएख्तियार बाएतमाद बना देखती हैं? बिल्कुल देखती हूँ, और मेरी कोशिश तो यही होती है कि वो जो भी उनकी आजमाइश थी जो अल्लाह ताला ने उनको डाली, वो उसमें से निकलें और मज़बूती के साथ निकलें, अपने पाँव पर खड़े हों। जब वो अपने पाँव पे खड़ी होती हैं तो उसके लिए उनको एक हुनर चाहिए होता है। अच्छा, हमारे जहनों में ये होता है कि जो लोअर इनकम ब्रैकेट की बच्चियाँ हैं बस वो सिलाई कढ़ाई कशीदा कारी ही जानती हैं, ऐसा नहीं है। वो पढ़ना भी जानती हैं, चाहती हैं,
वो और भी काम करना चाहती हैं। तो हम लोग ये करते हैं कि जैसे ही उनकी आज़ा काम करने लग जाए, हाथ यूँ हैं खुल गए जुड़े हुए हैं या गर्दन चिपकी हुई है, तो जो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं तो मैं उनको पूछती हूँ, हाँ मेरे लिए आसान है कि मैं उनको ब्यूटी की ट्रेनिंग दे दूँ और वो हमारे किसी भी सैलून में काम कर सकती हैं, अपने घरों से भी काम कर सकती हैं, लेकिन ठेला भी चलाती हैं। यहाँ कराची में हमारी बच्चियाँ जो हैं वो बाइकियाँ का काम करती हैं, वो उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। वो अपनी, मैं उनको एक दफ़ा पूछ रही थी कि आपको कोई सड़क में तंग तो नहीं करता, कहती है नहीं बाजी हम अपना हेलमेट उतारते हैं, डर के मारे भाग जाते हैं। तो इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि हाँ, ये आपने उनको इतना कर दिया। मैं चाहूँगा कि मुफ्ती साहब को भी शामिल गुफ्तगू करें। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हम आज प्रोग्राम में बात कर रहे थे नाजायज़ मुनाफा खोरी के हवाले से, तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे नाजरीन को बताएं और ख़ास तौर पे उन नाजायज़ मुनाफाखोरों को बताएं कि इस्लाम इस हवाले से क्या वईद सुनाता है, और ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक का तकद्दस है, रहमतें और बरकतें हैं, लेकिन जब हम फ्रूट की बात करते हैं, सब्जियों की बात करते हैं, तो वो दो दो गुना वो जो हैं वो महंगी हो जाती हैं, तो इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस अहम उनवान पर कुछ कहने का, लब कुशाई का मौका दिया। यहाँ मैं तीन बातें अर्ज़ करूँगा। पहली गुजारिश तो ये है कि आक़े दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने बुनियाद ही यहाँ से शुरू की कि जब आपने दूसरी बैते उकबा हुई मदीना मुनव्वरा के कुछ लोगों की, तो उनमें जो शरायत रखी गई उनमें से एक ये भी थी कि आप तिजारत करते वक्त मुनाफा खोरी नहीं करोगे। ये इस्लाम की सबसे बड़ी बुनियाद है। दूसरी चीज़ ये है कि इस्लाम में मुनाफा खोरी को बदतरीन किरदार अदा कहा गया, बदतरीन जुर्म। यानी इस्लाम में बदतरीन जो जुर्म है, जराइम है, वो कितने हैं? जना है, चोरी है, डाका है, और उसी के साथ मुनाफा खोरी है। अगर मुनाफा खोर को अगर आप किसी लाइन में खड़ा करेंगे तो वो कौन सी लाइन में खड़ा होगा? और तीसरी और सबसे बड़ी अहम गुजारिश ये है कि आज हमारे मुआशरे के अंदर एक अजीब फुकदान है शऊर का, आगाही का, कि हम लोग अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है, हम खालिसतन एक इस्लामी जमहूरी रियासत के बाशिंदे हैं, मगर उसके बावजूद हम में से हर बंदे ने दीन की अपनी अपनी बुनियादें इस्तवार की हुई हैं। कोई पांच नमाजें पढ़ता है वो समझते हैं मैंने दीन का हक अदा कर दिया, कोई साल बाद बड़ा जानवर ज़िबा करेगा वो समझेगा असल दीन यही है, कोई बंदा जिंदगी में एक आध मरतबा हज उमरा कराता है वो कहता है मैंने तो दीन का हक अदा कर दिया। अल्लाह की जानिब जो हमारा जोर ज्यादा है, हुकूक लिबात की बात आती है तो कहीं पर हम दिखाई नहीं। हालांकि दीन पांच मुख्तलिफ चीजों के मजमुए का नाम है, अकायद, इबादात, मामलात, मुआशरत, अखलाक। आज इबादत में हमारी मस्जिदें भरी पड़ी हैं, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है कि क्या ये जो बाजारों के अंदर मिलावट करने वाले, फ्रॉड करने वाले, ये सारे कोई इंडिया से उठकर आए हैं? ये कोई आउट ऑफ कंट्री बाशिंदे लोग हैं? हम मुआशरत में कहाँ हैं? हम अखलाक में कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ रही है। कुरान में जा बजा ये फरमाया गया कि अल्लाह ताला को एतदाल बहुत पसंद है कि जितना दिया जाए उस पर सब्र शुक्र करो, इतफा करो, अल्लाह ताला को शुक्र अदा करो कि अल्लाह तूने इतना दिया, इतना भी बहुत है। यहाँ पर मैं जो बात आपसे करना चाह रही हूँ वो ये कि हम देखते हैं कि पूरा साल हम मुनाफाखोरी करते हैं, नमाजें हमारी कजा पड़ी जाती हैं, बाजू का तो पढ़ते नहीं है, छोड़ देते हैं। यहाँ रमजान शुरू हुआ नहीं, मैंने तीन दफा कुरान पाक खत्म कर दिया, तरावी मैं नहीं छोड़ूंगा, तरावी में लाजमी पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला तो कहता है भाई कलील पढ़ो, महदूद मुद्दत के लिए पढ़ो, पर मुस्तकिल पढ़ो। 365 दिन हमारा रवैया ये है और रमजान में भागे चले जा रहे हैं जनाब, नमाज नहीं छोड़ेंगे और आके वापस फिर वही मुनाफाखोरी करेंगे। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हर बंदे ने दीन की बुनियादें अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तवार कर ली हैं। हर बंदा ये समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही दीन है। भाई बात यह है कि आप सारी रात खाना काबा में तहज्जुद पढ़ें, अगर आपके लोगों के साथ मामलात ठीक नहीं है तो कतई तौर पर आपकी वो तहज्जुद, आपका वो हज, आपकी वो कुर्बानी, आपके वो रोज़े, आपकी वो नमाजें आपको नहीं बचा सकती। दीन के तीन हिस्से दीन मामलात है, एक हिस्सा दीन इबादत है। ये जितना आपको नजर आ रहा है ये हज है, ये रोजा है, ये कुर्बानी है, ये इबादत है, ये सजदे हैं, ये तस्बीहात हैं, ये तहलील है, ये सारी एक हिस्सा है। तीन हिस्से दीन मामलात हैं। आप लोगों के साथ कैसे हैं? आप रोड पे कैसे हैं? आप पड़ोस में कैसे हैं की बात की है ना, ये मामला कुकुल इबाद के साथ भी जुड़ा हुआ है। और यही बात अभी आपके साथ डिस्कस हो रही थी, मैं चाहूंगी कि इसको इसके साथ थोड़ा सा लिंक भी करती हूँ मैं, जहाँ कुकुल इबाद की बात हो रही है। अभी हम ये बात कर रहे थे कि विक्टिम्स की केसेट विक्टिम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, खवातीन के साथ जुल्म आज के दौर में भी हो रहा है, और वो जिन वजूहात पर
हो रहा है वो भी आपा ने बताएं कि बच्चे बेटियां क्यों पैदा कर दी, जहेज क्यों कम लिया, ये सारी चीजें हैं। हिस्सा क्यों मांग लिया, जायदाद में हिस्सा क्यों मांग लिया। मैं मुफ्ती साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो एक माइंड सेट है औरत को लेकर, ये सही फैसले नहीं कर सकती औरत को, ये फैसला सही नहीं कर सकती, इसमें वो सलाहियत ही नहीं है, इसको रहने दो, मर्द फैसला करेगा, या फिर ये बात नहीं मानती, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ चल रही है, इसको दो थप्पड़ भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या माइंड सेट है कि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? क्योंकि शायद यहाँ वक्त मुख्तसर होता है, मैं इंतहा इख्तसार के साथ दो मिसालें अर्ज करूँगा। एक तो बहुत अच्छी बात की तरफ आपने इशारा ये किया, औरत फैसला नहीं कर सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा करने के लिए आए और आगे उमरे की इजाज़त आपको अहले मक्का ने नहीं दी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि जो लोग पैदल 450 किलोमीटर सफ़र करके मदीना से मक्का तशरीफ लाए और आकर वो हुदैबिया में बैठे हैं, मैं कैसे इन लोगों से कहूँ कि तुम अपने अहराम खोल दो? तो जाकर अपनी खेमे के अंदर परेशान हुए, अपनी ज़ौजाए तैयबा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला से कहा कि मैं इस बात पर बड़ा परेशान हूँ। फरमाया या रसूल, परेशान क्यों होते हैं? आप उन्हें कुछ ना कहें, आप खुद अमल करें, आप बाहर निकलें और बाहर निकलकर आप अपने सर के बाल मुंडवा दें, आप अपना अहराम खोल दें। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले और बाहर निकल के सर मुंडाया, अपना अहराम खोला, तो तमाम सहाबा इकराम ने वही किया। सहाबा इकराम ने बिल्कुल महसूस नहीं किया, उनका जो हमारा नबी करेगा वो करेंगे। लेकिन बाद में पूछा या रसूल्ला, यह आपने किसके, अल्लाह के हुक्म पे किया? फरमाया मैं तो परेशान था, मैं तुम्हें कैसे कहूँ, मेरी बीवी ने मुझे ये मशवरा दिया, इतना बड़ा फैसला उसके कहने पर हुआ। वैसे आप, आपको आपको बिल्कुल ऐसे एग्जांपल्स मिलती होंगी खवातीन की? बिल्कुल मिलती है। मैं समझती हूँ कि जैसे आपने फरमाया कि अगर देखा जाए तो हज़रत उम्मे सलमा जो थी वो पहली ज्यूरर थी सुलह हुदैबिया के वक्त जो है, वो उनका ये कहना जो है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका मान लेना जो है, वो हमें सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करता है जो कि आप भी फरमा रहे हैं कि दीन में मुकम्मल दाखिल होने को कहा गया है। बिल्कुल, आप अपने हिसाब से पिक एंड चूज नहीं कर सकते हैं। तो जब मैं अब इन बच्चियों के हवाले से बात करती हूँ और वो उनके घर में उनके मर्द हजरात या उनके घर की औरतें या उनकी सास बहू वगैरह जो भी रिश्ते होते हैं, उन सारों में अगर आप देखें तो कमी जो है वो शऊर है जो कि आपने फरमाया, और फिर वो कुरान को और अपने दीन को अपने मज़हब को समझना है जो कि ज़िंदगी को आसान कर रहा है, मुश्किल नहीं है। सही बात। द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ कि हम लोग जो हैं इस्लाम को सही तरह समझते नहीं हैं और अपनी मर्जी से इस्लाम को लगाने की, अपने मामलात को अपनी मर्जी से इस्लाम के उन मामलात में लगाने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती साहब, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, वो सैरिश ने भी बात की, जब हिस्सा मांगा जाता है औरत की जानिब से तो उसी तरह के विक्टिम्स आखिर में वो खवातीन बनती हैं जिनकी बाद में ट्रीटमेंट भी करती हैं मुसर्रत आपा। तो इस हवाले से इस्लाम क्या कहता है कि अगर औरत है वो अपना हिस्सा मांगती है तो वो अगर हिस्सा नहीं मिलता है तब उस पर इस्लाम क्या कहता है, और अगर जो मर्द है वो हिस्सा देने को तैयार नहीं होता है तो वो औरत क्या कर सकती है? यहाँ मेरे ख्याल में गुफ्तगू से हट कर आपने मसला पूछ लिया है, तो मसले की वजाहत बहुत साफ होनी चाहिए, चाहे वो जितनी मर्जी तलख हो। आज हमारे पास लोग आते हैं, जी पहले हुजूर दाएं तरफ मिसवाक फेरते थे बाएं तरफ, हुजूर अगर पहली सफ़ में ज़्यादा सवाब है दूसरी तीसरी चौथी सफ़ में, लेकिन लोग ये नहीं पूछते कि मैंने बेटी का हक खाया हुआ है और मैं बेटी ने मुझे माफ़ कर दिया है। भाई आप एक मरतबा दो तो सही ना, कैसे माफ़ करवाया आपने उसे उससे, और आप उसको ताने दे 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 कर माफ़ करवाते हैं। गुजारिश ये है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी बहनों का हिस्सा नहीं दिया, बेटियों का हिस्सा नहीं दिया, ज़बरदस्ती लिया, ब्लैकमेलिंग की, किसी भी तरीके से उसे हथियार लिया, उनके घर में किसी दूसरे मुसलमान का चाय पीना हराम है, उनके घर में पानी पीना हराम है, उनकी कुल्ली मामलात सारे हराम हैं, वो हराम खा रहे हैं, वो किसी का हक खा रहे हैं। और ऐसे बंदे के बारे में फरमाया, ऐसे बंदे जो बेटी का बहन का हक नाजायज़ तौर पर खा जाएँ, विरासत खा जाएँ, कयामत के दिन उन लोगों को जन्नत जाना तो दूर की बात है, जन्नत की वो हवा भी नहीं सूंघ सकते, जन्नत की वो खुशबू भी नहीं सूंघ सकते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, आपकी आंखों में आंसू थे, फरमाया या रसूल आप रो क्यों रहे? फरमाया कुछ लोगों को मेरी शिफात से महरूम कर दिया गया। या रसूल वो कौन से लोग हैं? फरमाया जो अपनी बेटी के हक को इस तरीके से खा जाएँ। फरमाया या रसूल कौन से तरीके से? फरमाया उनका विरासत में हिस्सा ना दें। आज कितने लोग हैं
जो जहेज के नाम पर उनका हक खा जाते हैं। जी हमने तो बड़ा खर्चा किया है, हमने जहेज दिए, भाई आप जहेज मत दीजिए, आप टीन डब्बा मत दीजिए, आप उन्हें ये लकड़ियों के जो टुकड़े मत दीजिए, आप उनका असल हक दीजिए, चाहे वो एक रुपया है या एक करोड़ है या एक अरब है, आप उन्हें वो दीजिए, वो उसके हकदार हैं। आपने बच्ची का कॉन्फिडेंस सबसे पहले, आप ससुराल से क्या गिला करेंगे कि वो ज्यादती कर रहे हैं, सबसे बड़ी ज्यादती तो आपने कर दी, डकैती तो आपने खुद कर दी। आपसे चाहूंगी क्योंकि टाइम बिल्कुल खत्म होने वाला है, वो खवातीन जो कि इस वक्त ऐसा उस तरह विक्टिम तो नहीं है लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त कर रही है जो कि मुआशरे की नज़र में उस तरीके से नहीं है, इसी तरह की बातें, इसी तरह के ताने, इसी तरह का जुल्म अपने अपने घरों में बर्दाश्त कर रही है, उनको आप मैसेज क्या देंगी, उन्हें मोटिवेट आप कैसे करेंगी, उन्हें करना क्या है? मैं कहूँगी कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाएं, आप जिम्मेदारियाँ निभाएं और फिर आप अपने हुकूक की बात करें। हुकूक की बात करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो माहौल है, ये जो घर है, यहाँ पे मुझे बात कैसे करनी है, मैंने अपनी बात पहुँचानी कैसे। पापा मुझे क्लोजिंग का काज है, मैं जल्दी से चाहूँगा कि आप अपनी एनजीओ के हवाले से बता दें और अभी रमज़ान का महीना भी है, जो लोग आपकी एनजीओ में हिस्सा डालना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं? ओके, जो एनजीओ है उसका नाम है डेप्लिक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन। ओके, और ये वो है जिसमें तेजाब से जो जलाई जाने वाली बच्चियाँ हैं उनके लिए करते हैं, और आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, आप उसमें ज़कात दे सकते हैं, आप वक्त दे सकते हैं, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप लाजमी कीजिए और ये महीना तो वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, इसमें आप जितनी हो सके रहमतें बरकतें समेटिए। बहुत शुक्रिया मुसरत साहबा आपकी आमद का, बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब साहब आपकी भी आमद का। नाज़रीन इसके साथ ही मुझे और कामरान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ जुल्म मिटने के लिए, दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी है उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा, या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते, तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। नौ जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, डेढ़ साल चला, शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया, एक ही इल्जाम पे दो केस हो नहीं सकते भाई, मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली, नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार, भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ ढाई घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म, अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले कर रहे हैं, तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।